चलो, तो पहले पार्ट में हमने फ्रैक्शन वाले देखे, ब्रैकेट वाले देखे, सिंपल इक्वेशन भी देखा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एट उससे सिमिलरली है कि सॉल्व 15 ब्रैकेट y माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल हमें क्या दिया है सर, y दिया है, यहाँ पे y है और y है, क्योंकि हमने सर ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो कभी भी ब्रैकेट दिया होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है सर, ब्रैकेट ओपन करना होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 15 y माइनस 4 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 15 इंटू वाई सर 15y प्लस माइनस सर माइनस होता है 15 इंटू 4 सर 60 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू वाई सर 2y माइनस माइनस सर प्लस होता है प्लस 2 इंटू 9 18, ठीक है। तो यहां पे दो ब्रैकेट क्लियर हो गए। थर्ड ब्रैकेट प्लस प्लस सर प्लस होता है 5 इंटू वाई 5y प्लस 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 5 इंटू 6 सर 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, वेरिएबल कितने हैं 15y 2y और 5, ठीक है। तो 15y उसको रीअरेंज कर दो माइनस 2y प्लस 5y, ठीक है। कभी भी रीअरेंज कर रहे हो तो उसके आगे वाली साइन है वो हमें कंसीडर करनी होती है। 2y के आगे था तो इसलिए माइनस लिया, 5y है उसके आगे प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस 60 प्लस 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, 60 18 और 30, ठीक है। अब यहां पे देख लो 15 प्लस 5 दोनों क्या है सर, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का हम एडिशन कर सकते हैं। तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा सर 20, 20 माइनस 2 सर 18y। अब यहां पे देख लो दोनों क्या है सर, पॉजिटिव है, 18 प्लस 30 सर होता है 48। यहां पे क्या दिया है सर माइनस, ये क्या है सर प्लस है, 60 माइनस 48 दैट मींस क्या होता है 12, बड़ी वैल्यू कौन सी है सर माइनस, माइनस इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा सर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 18y इज इक्वल टू 12। और यहाँ पे 18 किस में है सर, मल्टीप्लीकेशन में, उस साइड जाएगा तो सर डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू 12 अपॉन 18। अब कोई आपको ऐसा टेबल कंसीडर करो कि जिसके अंदर 12 भी आता हो और 18 भी आता हो, एक टेबल हाँ कौन सा 6 का सर, ये होता है 6 2 जा और ये कितना होता है 6 3 जा, यहाँ पे 6 6 क्या होता है सब कट होता है, तो क्या रहेगा सर, तो रहेगा 2 अपॉन 3। तो y का आंसर कितना आएगा 2 अपॉन 3, ये आपका लास्ट आंसर फाइनल आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व 3 ब्रैकेट 5z माइनस 7 माइनस 2 9z, ये 2 नहीं है ये z है, 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट 8z माइनस 13 माइनस 17। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने जैसे देखा सिमिलर, वहां पे भी सेम चीज होगी, ठीक है। क्योंकि सर यहाँ पे सब में ब्रैकेट दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सारे ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, तो 3 इंटू 5z कितना होगा सर 15z, 3 इंटू 7 पहले तो प्लस माइनस सर माइनस, 3 इंटू 7 सर 21, ठीक है। माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 19 सर माइनस 18z, माइनस माइनस सर प्लस 2 इंटू 11 कितना होगा सर 22 इज इक्वल टू 4 इंटू 8z सर 32z प्लस माइनस सर माइनस 4 इंटू 13 कितना होता है सर 52, ठीक है। अब सर अब माइनस 17,
ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन से, सर वन टू, तो कि 15z माइनस 18z, यहाँ पे कांस्टेंट कितने सर दो, 21 प्लस 22, ठीक है, अब इज इक्वल टू 32z माइनस 52 माइनस 7z, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, वेरिएबल वाले हैं तो 15 माइनस 18, दैट मींस कि यहाँ पे प्लस माइनस दिया, प्लस माइनस क्या होता है सर, प्लस माइनस माइनस, 18 माइनस 15 सर होता है 3z, लार्जेस्ट वैल्यू कौन से सर 18, तो माइनस की साइन, यहाँ पे दिया है माइनस प्लस माइनस, 22 माइनस 21 सर 1 होता है, लेकिन लार्जेस्ट वैल्यू कौन से सर प्लस, तो प्लस 1 इज इक्वल टू सर ये, तो कि सर वेरिएबल है तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस माइनस कितना होता है सर प्लस होता है, तो 52 प्लस 17 कितना होगा, तो कि पहले लार्जेस्ट वैल्यू 50 तो उसकी साइन 69 होता है। अब सर वेरिएबल वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट कांस्टेंट वन साइड, तो ये 32z है वो इस साइड आ जाएगा, ये 1 है वो उस साइड चला जाएगा, तो माइनस 3z माइनस ये क्या है सर पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव, 32z इज इक्वल टू माइनस 69, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो सर माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस सर प्लस, 3 प्लस 32 सर 35z इज इक्वल टू माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस है, बड़ी वैल्यू किसकी है 32 की, तो उसमें कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 69 माइनस 1, माइनस माइनस क्या होगा सर प्लस, 69 माइनस 1 जिसमें की प्लस कितना हो जाएगा 70 होगा, बड़ी वैल्यू कौन सी है सर माइनस, तो उसकी साइन, अब यहाँ पे 35 ये दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या है सर मल्टीप्लीकेशन है, उस साइड जाएगा तो सर डिवाइड होगा, तो कि z इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 35, इसमें क्या है सर मल्टीप्लीकेशन, उस साइड जाएगा तो डिवीजन, अब 70 के ऐसे फैक्टर निकालो जिसमें 35 आता हो, हाँ सर है 35 इंटू 2, तो 35 क्या हो जाएगा सब कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आएगी सर z इज इक्वल टू 2, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना आएगा z इज इक्वल टू 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व 0.25 ब्रैकेट 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट 10f माइनस 9, तो सर अभी तक हमने देखा वो फ्रैक्शन था, तो कि हाँ सर वैसे सॉल्व करना आता है, सर सिंपल इक्वेशन दिया है और ब्रैकेट दिया है सर वो भी हमने सॉल्व किया है, ठीक है, वेरिएबल वाले दिए हैं और कांस्टेंट दिए हैं सर वैसे भी दिए हैं, ठीक है, वो भी सॉल्व किया है, अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्या आता है सर, वो चीज होती है हमारा की डेसिमल, तो सर डेसिमल वाले कैसे फाइंड करें, तो कोई चीज होती है तो स्टेप बाय स्टेप करो तो आपका क्लियर हो जाता है, तो आपको वो सोचो कि सर अगर डेसिमल में दिया है तो उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, हम पढ़े 6-7 स्टैंडर्ड के अंदर कि जो फ्रैक्शन होता है डेसिमल होता है उसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन का डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिया है 0.25, दैट मींस कि क्या दिया है सर, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है सर 2 डिजिट है, तो अगर उसको निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो कि डिनोमिनेटर के अंदर 100 पुट करना होगा, पॉइंट के बाद जितने डेसिमल होते हैं ठीक है उतने हमें अगर लाने तो क्या करना होगा, तो सर अगर 25 दिया है तो 25/100 करना होगा, हाँ या ना, हाँ सर करना रहेगा, सर यहाँ पे भी वैसा दिया है तो कितने है पॉइंट के बाद सर 2 है, तो क्या अगर लाना है हमें तो कितना करना होगा सर 100 करना होगा, किसका 0.05 का, ठीक है, यहाँ पे 2 चीज हमें दी है, तो सबसे पहले जो डेसिमल में दिया है उसको हम क्या कर दे सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे, तो ये 25 है तो क्या हो जाएगा सर 25/100 4f-3 इज इक्वल टू 5/100 10f-9, अब ये यहाँ पे क्या है सर, ये यहाँ पे डिवीजन में है, अगर उसको हम इस तरह से लाते हैं तो क्या हो जाएगा सर मल्टीप्लीकेशन होगा, तो कि 100 इंटू 25 डिवाइड बाय 100
ये यहाँ पे डिवीजन में था, हम यहाँ पे लाए तो क्या हुआ सर, मल्टीप्लिकेशन, बाकी सब एज इट इज रहेगा। 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 10f माइनस 9। सर ये 100 कहाँ गए, क्योंकि 100 ये हमने यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे डिवीजन था तो यहाँ पे क्या हो गया सर, मल्टीप्लिकेशन। अब क्या होगा सर, 100 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो किस तरह से बनेगा, क्योंकि 25 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 10f माइनस 9। यहां से, हाँ सर यहां से तो हमें मालूम है क्या करना होता है सर, ब्रैकेट ओपन करना होता है, वेरिएबल वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट वन साइड, और एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद सॉल्व। चलो करो स्टार्ट। तो अब क्या करेंगे सर, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 25 इंटू 4 सर 100f, 25 इंटू 3 सर माइनस 75, अब सर 5 इंटू 10 50f, प्लस माइनस सर माइनस, 5 इंटू 9 सर 45, ठीक है। अब सर ये वेरिएबल वेरिएबल और कांस्टेंट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वन साइड, क्योंकि 100f ये किसमें सर, पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो सर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 50f, क्लियर। अब सर ये माइनस है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस 45 एज इट इज, ये माइनस है, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव, 100f माइनस 50 कितना हो जाएगा सर, 50f इज इक्वल टू माइनस प्लस सर माइनस, 75 माइनस 45 जिसमें से कितना होता है सर 30, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है सर 75, उसकी कौन सी है सर पॉजिटिव है, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव, जिसमें से की प्लस, ये किसमें है सर मल्टीप्लिकेशन है, उससे जाएगा तो सर डिवाइड होगा, तो f इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 50, 0 0 क्या हो जाएगा सर कट होगा, f की वैल्यू कितनी आएगी 3/5, तो f की वैल्यू क्या आई 3/5, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.5 वो क्लियर होती है और खत्म होती है, ठीक है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।